बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9th एंड मैट्रिक, कैसे बेटा आप सब लोग ठीक ठाक हैं? दोबारा लॉकडाउन हो गया, ऑनलाइन क्लासेस का आगाज शुरू हो गया। अच्छा बेटा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे ना। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम 3.2 से स्टार्ट करेंगे, सबके लिए 3.2। ओके, एज यूजुअल जैसे हम हमेशा डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि हमारा बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, कहते हैं लोग लॉन्ग टॉपिक मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 56 में मिलेगा बेटा। हमने कोशिश कर ली है कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करें बेटा, इसको प्रॉपर तरीके से काम करें, लाइन ड्रॉ करें, अपनी रफ फॉर्म मार्जिन लाइन वगैरह बनाएं, ठीक है? क्योंकि देखें अब हमें अपने काम को बड़ी तेजी से आगे लेकर चलना है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि अभी एक ही वीडियो इस वीक में दे रहा हूँ, अगले हफ्ते से आपको 2 वीडियो सपोर्ट 9th को भी और मैट्रिक को भी, ठीक है? ताकि हम इस सक्सेस को बड़ी तेजी से लेकर चले। ओके बेटा, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि सबसे पहले बात को मैंने लॉ के बारे में ज्यादा डिटेल ली थी, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। हमारे पास एक मैथमेटिशियन यूसुफ फाजली, जिन्होंने लॉग का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, उन्होंने बताया कि लॉग क्या होता है, लॉग की वैल्यूज क्या होती है। फिर थोड़ा सा मैंने क्लास में एक्सप्लेनेशन दी थी इसके बारे में, पूरी डिटेल इसलिए बताई थी, लेकिन अभी हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो बहरहाल यूसुफ फाजली जो है इसके फाउंडर है, लॉगरिथम के क्रिएटर है, इसको बनाने वाले, ठीक है बेटा? और उन्होंने लॉग कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। हमारे पास लॉग आ गया, लॉग आने के बाद डिस्क्रिप्टिवाइजेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लॉग बुक के आखिर में लॉग टेबल चेक करेंगे तो सबसे पहला नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास मुख्तलिफ बेस सिस्टम रहे, जैसे कि बेस 2 लॉग बेस 2 हो गया, फिर हमारे पास सिस्टम नंबर के अंदर बेस 5 आया, लॉग बेस 5 कहलाया, फिर 8 सिस्टम आया, लॉग 8 बना, फिर 10 सिस्टम आया, लॉग 10 बेस 10। दिस इज द सिस्टम लॉग बेस 10 डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमारा नंबर सिस्टम है। ओके, नंबर सिस्टम कौन सा बेटा हमारा? डेसिमल, तो लॉग बेस 10 है। ये एमसीक्यू बनेगी हमारी, एक ब्लैंक एक नंबर की आएगी कि ब्लैंक बेस लॉग बेस इक्वल टू ब्लैंक, तो आप क्या लिखेंगे, कौन सी बेस है बेटा? 10 बेस, इसको डेसिमल भी कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा? अब हम ध्यान से आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर पे बता चुका हूं, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारे पास लिखने के 2 मेथड होते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। देखो 2 के ऊपर 5 पावर को कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से बना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि जो लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब वो क्या कह रहा है, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास हर क्वेश्चन 2 वे में आ सकता है, या तो लॉगरिथमिक फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, और लॉग में गिवन होगा एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ कन्वर्ट करना पहले सीखते हैं, फिर आगे सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा लॉग का LOG, दिस कॉल्ड लॉग, क्लियर? इधर बेस कितना है? 2। मैं लॉग के यहां पे लिखूंगा इसका बेस 2, ये किसकी इक्वल है? 32। इसके साथ लिखा 32 इज इक्वल टू इसकी पावर 5, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, हमने इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसको लिखना है क्या, लिखे जल्दी से बोलो बेटा। लॉग बेस लिखी, बेस कितनी है इसकी? 2। इसकी इक्वल है 1/128 इज इक्वल टू पावर कितनी है? -7। लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, चलो मेरे साथ कन्वर्ट करें बेटा। पहले लिखेंगे लॉग बेस कितना है? 10। किसकी इक्वल है? 0.01 के इज इक्वल टू इसकी पावर -2। एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट किया। एक और लिखो बेटा, हमने हमारे पास क्या लिखा, लॉग बेस कितनी है? 36। इसकी ये किसकी इक्वल है बेटा? 216 इक्वल टू पावर 3/2, क्लियर? अगेन लॉग बेस क्या है? 10। किसकी इक्वल है? 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल टू पावर कितनी है? 5, क्लियर? अब इधर देखें लॉग बेस क्या बेटा? 10। इसकी इक्वल है 0.001 इज इक्वल टू पावर लिखेंगे -3। ये आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्या किया बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्लियर हो गया सबको? कोई डिफिकल्टी? अच्छी तरह क्लियर सबको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉग फॉर्म में क्लियर हो गया बेटा? ओके, इसी तरीके से हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अब हम यहां डिस्कस करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं इसी के अंदर चेंजिंग लाऊंगा। देखिए इस
फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया लाइक दिस। अब अगर हम गौर करें तमाम पोजीशन लॉग फॉर्म में आ गए, लॉग में लिखा है लॉग फॉर्म में। अब मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले लॉग 2 बताएं बेस क्या है 2, इसकी पावर क्या होगी 5, ये किसके इक्वल होगा 32। लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, अगेन बेस क्या है 2, पावर कितनी बोलो बेटा -7, ये किसके इक्वल होगा 1/128। अगेन बेस क्या है 10, पावर क्या है -2, इसके इक्वल है 0.01। अगेन बेस क्या है 36, पावर कितनी है 3/2, इसके इक्वल है 216। बेस क्या है 10, पावर क्या बेटा 5, इसके इक्वल है 10000 के 5 का 0। बेस क्या है बेटा 10, पावर कितनी है -3, इसके इक्वल है 0.001 के। लॉग को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को लॉग में, आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके मजीद इसको अगर कोई भी बात होगी ऑनलाइन क्लास लेने को तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। ये बुक के क्वेश्चन टोटल आपका 10 है, मैंने 6 लिए, उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और बेस फॉर्म में, बाकी आपको फोर पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये शॉर्ट पार्ट होता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये जो हमने कन्वर्ट किया बेटा 1 नंबर की ब्लैंक्स आ सकती है, दिस इज द बेसिक कन्वर्ट करना सीखा, लॉग को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर बेटा सबको? ओके नेक्स्ट नंबर 11 से करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है बेटा। log 32x equal to -1/5, अब इसको ये log form में गिर देंगे, पहले इसको exponential form में लाना पड़ेगा। base कितना बेटा 32, बोलो power क्या होगी इसकी, -1/5 is equal to किसकी equal है x के, हमें x मालूम करना है। अब algebraic rule basic rules नहीं छोड़ने आपने, whole power minus है, math क्या rule के, सबसे पहले इसको plus में convert करें, shifting of the base, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो क्या करेंगे value को shift करेंगे, 1 जाएगा ऊपर और 32 की power 1/5 plus हो जाएगी, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, हमने क्या किया बेस को ऊपर से नीचे लाके शिफ्ट किया, होल पावर माइनस की प्लस में कन्वर्ट किया। ओके अब हमारे पास बेस क्या 32, मैंने आपको बताया जब बेस ग्रेटर हो तो हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं एलसीएम के विद मेथड से, ठीक है बेटा। 32 लिखा, 2 1s are 2, 1 2s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 or 2 1s are 2, मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 2 power 5 लिख सकता हूँ बेटा। ओके ये 1 ऐसे ही ना अपॉन 32 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 5। अब देखिए इसके ऊपर पावर है, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई का 1/5 = x, मैथ का रूल है पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई होती है। ओके अगर आप गौर करें 5 से 5 कैंसिल, 1/2 की पावर 1 = x, ये आपके पास x की वैल्यू मालूम हो गई। इज इट क्लियर? ओके बिल्कुल सेम ऐसे ही बेटा क्वेश्चन ये लेंगे हम। अब हमारे पास देखिए बेस क्या है 4, इसकी होल पावर कितनी है -3/2, किसकी इक्वल x, इसके नीचे भी 1 है ना, इसकी भी होल पावर माइनस है, शिफ्टिंग ऑफ द बेस, बेस को शिफ्ट करें क्या होगा 1 ऊपर आ जाएगा, 4 की पावर -6 + 3/2 = x। अब हमें क्या करना है 4 के प्राइम फैक्टर बनाना है, चलिए ये 4 को लिखा 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 की पावर 1 2, 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई एक और पावर 3/2 = x, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 की पावर कितनी बची बेटा 3 = x, 2 पावर 3 का मतलब 2 को 2 से 3 ना मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। कोई भी गलती बेटा इसमें क्लियर अच्छे तरह। ओके इसके मजीद क्वेश्चन हम लेते हैं इसी के अंदर, इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरह और कंप्लीटली सॉल्व कर सकें। बेटा मैंने क्लैमरिंग करा दिया, 12 हो गया, इसी का 13 बुक आप ले लेंगे, बुक आपके पास देखिए 11 12 13 में ले रहा हूं, 13 क्वेश्चन है मेरे पास, log 10x is equal to minus का 4, ठीक है भाई। अब बताएं बेस क्या है मेरा क्या बेटा, बेस क्या है हमारे पास, हमारे पास बेस है 10, इसकी पावर कितनी है माइनस का 4 इक्वल टू x, अब होल पावर माइनस है ना, पावर जो इसकी गिवन है प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/10^4 = x, 10^4 का मतलब 10 को 10 से 4 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू शो 40 लगा था 1 2 3 4
इक्वल टू एक्स, ये हमने एक्स की वैल्यू मालूम कर ली। बोले बेटा क्लियर हुआ सबको? ओके, ये तीनों पार्ट एक से थे, 11, 12, 13 हमने कंप्लीट कर दिया, कोई डिफिकल्टी? ओके, इसी के साथ बगैर टाइम जाया कि मैं चाहता हूं आपको जल्द से जल्द बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं बेटा। अब देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 14 पे बेटा गिवन है log a 3 equal to 1 upon 2। अगर आप और करें आप बेस चेंज हुआ क्या लगे a आपके पास। अब आपने a की वैल्यू मालूम करनी है, बताएं a की पावर क्या होगी बेटा, a पावर 1 upon 2 equal to 3। क्या है बस a की पावर 1 upon 2 equal to 3। अब मुझे तो a की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए 1 upon 2 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट है ना, नॉर्मली हम कहते हैं 1 upon 2 इसे खत्म करना है मुझे, क्योंकि देखिए मुझे तो a चाहिए, 1 upon 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए a, a बेस है। अब इसके ऊपर से 1 upon 2 को मुझे हिडन करना पड़ेगा। 1 upon 2 का अपोजिट क्या होगा, 2। देखिए हर एक का एंटी होता है ना, मार्कर ये सीध है, ये इसका अपोजिट है, इसको मुझे डिसॉल्व करने के लिए इसका एंटी यानी 2 देना पड़ेगा। 2 का मतलब स्क्वायर, मैथ्स का मतलब जो काम करते हैं बोथ साइड, तो हम देखेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, a की पावर 1 अपॉन 2 मैंने इसका स्क्वायर लिया, 3 का भी स्क्वायर कर लिया, यहां देखिए पावर में पावर है, मैं क्या लिखूंगा a की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की पावर 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, a बचा 3 की पावर 2 का मतलब 9, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस तरीके से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बोलो बेटा क्लियर सबको, समझ में आ रहा है ना? ओके, अगला क्वेश्चन मेरे बेटे इस तरीके से नंबर 15 है मेरे पास, log a इसकी पावर 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमारे पास फिर दोबारा यही मैथड जो हमने डिस्कस किया, ओके इसको भी हटा लेते हैं, इसके तीन अगला पार्ट 16 वो भी मैं लिख लेता हूँ ताकि इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 16 बेटा हमें गिवन है log a 1 equal to 0 ताकि a की वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, बेस हमारे पास क्या है a, इसकी पावर बोलो क्या होगा बेटा, माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 25, यही होगा ना। ओके, बेस इसकी पावर और इक्वल टू हमने समझ कर दिया। ठीक है बेटा, ये बात भी क्लियर होगी सबको। चले आगे देखिए, अब क्या करेंगे, मेरे पास इधर पावर 1 अपॉन 3 मैंने इसका एंटी अपोजिट ये स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर ही कोस साइन। अब मुझे 2 अपॉन 3 को हिडन करना है ना, और साथ में माइनस भी है, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है एक काम ये, और दूसरा काम ये है कि a की वैल्यू मालूम करनी है, a का पावर के 1 अपॉन 2 इसका अपोजिट लेंगे, 1 अपॉन 2 का अपोजिट 3 अपॉन 2। ओके, हम जैसे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड क्या लिखेंगे, अप्लाइंग इसका अपोजिट साइन ए को माइनस 3 अपॉन 2 बोथ साइड, अप्लाइंग पावर, ठीक है, अप्लाइंग पावर माइनस 3 अपॉन 2 बोथ साइड। देखिए मैंने क्या लिखा, a इसकी पावर 2 अपॉन 3 इसका अपोजिट पावर मैंने माइनस 3 अपॉन 2 अप्लाई किया, इसी तरह 1 अपॉन 25 इसकी पावर भी माइनस 3 अपॉन 2 कर दी मैंने, बोथ साइड सेम पावर ली है ना बेटा। ओके, a पावर पे पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, पहले साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, यहां से लिखा 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, दोनों के साइन मल्टीप्लाई हो गए, बात खत्म हो गई। इधर देखिएगा बेटा, अब अलजेब्रिक रूल ध्यान में लाओ, 1 अपॉन 25 होल पावर माइनस में, अगर मैं इसकी शिफ्टिंग कर दूं पावर प्लस में हो जाएगी, यानी कि 25 ऊपर 1 नीचे, तो 25 अपॉन 1 होल पावर 3 अपॉन 2 प्लस में आएगी। ओके, क्योंकि मैंने इसकी शिफ्टिंग कर दी, शिफ्टिंग करने से पावर होल पावर माइनस वाली प्लस में आ गई। देखिए बेटा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मेरे पास आ गया a। अच्छा ये 25 पे फैक्टर करो तो क्या बनता है बेटा, 5 पावर 2 ना, 5 आएगा 25, 5 बनता 5, 5 पावर 2 मैंने 25 क्या लिखा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई की पावर 3 अपॉन 2, पावर पे पावर है, 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल टू 5 की पावर 3, 5 पावर 3 मतलब 5 को 3 ना मल्टीप्लाई करो, 5 5 का 25, 125 दिस इज द रिजल्ट। ये हमने a की वैल्यू मालूम कर ली, क्लियर हुआ बेटा। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है, और करें देखिए, a की पावर क्या है, 0 equal to 1 this is the rule, anything base power 0 means 1, okay a is equal to 1 answer ho gaya, isme kuch karna hi pada, aaj hi isko sabko clear, okay beta humne 16 tak ye part discuss kar liye, isko pehle complete kar lijiye, fir iske baad baaki jo remaining parts hain hamare paas 17 to 25 main mere agle session mein agli class mein aapko explain karta hu। I hope aapko samajh mein aaya hoga, isko beta baar baar sunne videos ko,
बार बार अंडरस्टैंड करे तो अच्छी तरह समझ सकते, कोई भी बात नहीं क्लियर बेटा डिस्कस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें ठीक है, और खूब पढ़ाई करें बेटा, अल्लाह हाफिज़।